झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल के हजारों आउटसोर्सिंग स्टाफ ने झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के कार्यालय के बाहर हंगामा किया। हंगामा करने वाले कर्मचारियों ने बताया कि हाल के दिनों में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है। कर्मचारियों ने बताया कि हाल के दिनों में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से चिट्ठी निकालकर सभी कर्मचारियों से रोस्टर मांगा जा रहा है और उस रोस्टर से आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे कर्मचारियों को शून्य बताया जा रहा है। रोस्टर में आउटसोर्सिंग को शून्य बताए जाने के बाद कर्मचारियों ने को उनके नौकरी जाने की चिंता सताने लगी है। वहीं प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने बताया कि पिछले दिनों शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर सहित कई पदों पर आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले कर्मचारियों की फिर से परीक्षा ली गई और परीक्षा में उन्हें अयोग्य बताकर नौकरी से हटा दिया गया। कर्मचारियों का कहना है कि जब वह वर्षों से विभाग में काम कर रहे हैं तो उन्हें विभाग की सभी जानकारी है और सरकार ने भी उनसे काम लिया है, लेकिन अचानक उनकी परीक्षा यदि ली जाएगी तो कई ऐसे कर्मचारी हैं जो किताबी ज्ञान के आधार पर छट जाएंगे, जबकि उन्हें विभागीय जानकारी पूर्ण रूप से है और वह विभाग का काम भी बेहतर कर रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा उन्हें हटाने का काम किया जा रहा है जो कि कहीं से भी जायज़ नहीं है। क्या कुछ मांग है? हमारा देखिए, हमारे पदों को रिक्त दिखाया गया है। हम लोग आउटसोर्सिंग के अलग अलग पोस्ट के कर्मी हैं जो 2400 जिला से यहाँ पर आए हैं। हमारा बस डिमांड यही है आज का कि हम लोगों को SPD मैडम से मिलकर बात करना है, जो वो हमारे पदों को रिक्त दिखाई हैं, शून्य दिखाई हैं, जबकि हमारा पद जो है सैंशन पोस्ट है सारा। हम लोग BRP जो है 4 साल से हैं, उसके बाद BPM आए हैं, MIS आए हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, FM हैं, DO हैं, सारे पोस्ट में लोग हैं। और बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है डाटा एंट्री ऑपरेटर के साथ कि उनका अचानक से एग्ज़ाम लिया गया और उन लोगों को निकाल दिया गया है ना, डिस्ट्रिक्ट DO को, ठीक है। तो हम लोग का मांग ये है कि हम लोग को रिक्त क्यों दिखाया जा रहा है, जब हम लोग ऑलरेडी वहाँ पर काम कर रहे हैं इतने सालों से, तो हम और फिर से रोस्टर मांगा जा रहा है, तो क्यों मांगा जाएगा ऐसा? आप एग्जाम क्यों लेंगे, कैसे लेंगे आप एग्जाम, कैसे ले सकते हैं? मेरा कहना है, जैसे डिस्ट्रिक्ट के जो ऑपरेटर हैं उनको निकाल दिया गया है, जिला ऑपरेटर को अगर उनको निकालना था तो फिर आप क्यों, आप एग्ज़ाम लेना तो एक बहाना हुआ उनका ना, उनको निकालना ही था, जबकि एक्सटेंड करने के लिए था कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में हर साल एक्सटेंड होगा, और वो एग्ज़ाम लिख के और लिख देते हैं कि आप डिस्क्वालीफाई हैं, आप काम के लायक नहीं, आप निकल, मीन्स कि आपका काम वापस लिया जाती है, आपकी सेवा वापस ली जाती है, ऐसा लेटर दिया जाता है। ये तो गलत है, आप उतने दिन सेवा ले रहे हैं और आप ये एक एग्ज़ाम में आप जज कर लिए कि हम काम के लायक नहीं है। तो हम लोग इस बात को रखना चाहते हैं, कल उनके साथ हो, आज हमारे साथ होगा। दिक्कत आया, अंदर क्यों नहीं जाने दिया? उनको का नाम है कि हम लोग को सूचना नहीं दिए हैं, आप लोग को कानून पता नहीं है, आप लोग अंदर नहीं जा सकते समस्या को लेकर के। किन मांगों को लेकर आप लोग? हम लोग जो रोस्टर आया उसी रोस्टर को रोकने के लिए आए थे कि जब जिस पोस्ट पर हम काम कर रहे हैं हमारे पद को सुने कैसे मजा जिस पर हम काम कर रहे हैं, जबकि हम लोग कम वेतन पे काम कर सेम काम और सुनने क्यों मना जा रहा है, वही पूछने मिलने के लिए मैडम से हम लोग आए थे समस्या को लेकर, लेकिन मैडम से मिलने नहीं दिया जा रहा है। जैसे ही सभी आक्रोशित कर्मचारी राज्य भर से JEPC कार्यालय पहुंचे तो उनकी भीड़ को देखकर वहां के स्थानीय सुरक्षाकर्मियों के द्वारा गेट बंद कर दिया गया। गेट बंद करने के बाद कर्मचारियों का गुस्सा सातवें स्थान पर चढ़ गया और ताला जड़ने पर विरोध प्रदर्शन करने लगे। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें नौकरी से ना हटाया जाए क्योंकि वह वर्षों से काम कर रहे हैं और कई कर्मचारियों की दूसरी नौकरी करने की उम्र सीमा भी खत्म हो गई है। रांची से ETV भारत के लिए हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट।